कठिन परिस्थितियों में जीतना सीखो। परिस्थितियां कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती, जीवन भर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति में आपको बाहर निकाल दे। एक कहानी बताते हैं। पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा वापस नहीं लौटा पा रहा था। व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस नहीं कर पा रहा है, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचा मरता क्या न करता, उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बहुत बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से जी सके। आगे देखिए लड़की ने क्या फैसला लिया। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डाले, एक सफेद रंग की तथा दूसरे में काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर वापस आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैले में डाल दिए। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह क्या करे। साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो वह दूसरी किसी चाल में उसको जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी। उसने थैले में से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छिटका दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, थैले में अभी दूसरी गोली भी होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी और अगर थैले में कोई गोली सफेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आहा बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुला रखने दे, थोड़ा हटकर सोचे, ये सोचे कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई न कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपकी समस्याओं का हल भी मिलना शुरू हो जाएगा।